हेलो एवरीवन, आज हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का दूसरा दिन है, मीन्स सेकेंड डे। तो हम इसमें जो गुड मैनर्स होते हैं इनकी प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। हमने कल भी अपने लास्ट लेसन में भी कुछ वर्ड्स मैनर्स के सीखे थे, जिसमें प्लीज़, थैंक्स, वेलकम ये सब था। तो ये है प्लीज़, थैंक्स, वेलकम, काइंडली, अलाउ मी, आफ्टर यू और सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन, दैट्स ऑल राइट, इट्स माई प्लेजर। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि इन वर्ड्स का हमें यूज़ कहाँ कहाँ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको किसी से कोई चीज़ मांगनी हो, कुछ लेना हो, तो हम, अगर मान लीजिए आपको एक पेन किसी से मांगनी है, तो हम ये नहीं कहेंगे गिव मी योर पेन। अगर हम इसको मैनर्स के साथ कहें तो हम कहेंगे प्लीज़ या काइंडली। प्लीज़ गिव मी योर पेन और काइंडली गिव मी योर पेन, दोनों में से कोई भी वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। किसी से पानी मांगना हो तो प्लीज़ गिव मी वाटर या काइंडली गिव मी वाटर। टाइम पूछना हो तो भी, या किसी से कोई भी फेवर लेना हो, तो हम प्लीज़ या काइंडली लगा कर कहेंगे। गिव मी योर पेन की जगह हम कह सकते हैं गिव मी योर पेन प्लीज़, प्लीज़ गिव मी योर पेन, काइंडली गिव मी योर पेन, या फिर मे आई हैव योर पेन प्लीज़, क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ, मे आई हैव योर पेन प्लीज़। गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, इसकी जगह हम कहेंगे प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर या ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। वॉट इज़ द टाइम, या फिर हम पूछ सकते हैं टाइम प्लीज़। कोई अगर आपको कुछ ऑफ़र कर रहा है, आपको उस चीज़ को लेना है, अगर आपको कोई पानी दे रहा है, आप उसको ले रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, यस प्लीज़। या फिर किसी से हमें टाइम पूछता है तो हम ऐसे भी पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़। आपने, आपके साथ किसी ने भी कोई भी छोटा सा भी फेवर किया, कुछ भी किया हो, कोई रास्ता बताया, मकान का पता बताया, या कोई भी चीज़ बताई, तो आप उसके लिए थैंक यू या थैंक्स बोलेंगे। और अगर आपको ज़्यादा उसका एहसान दिखाना चाहते हैं, तो आप कहेंगे मेनी मेनी थैंक्स टू यू या थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट है, अगर आपको कोई कुछ ऑफ़र कर रहा है, कुछ देना चाह रहा है, तो आप ये कहना है अगर आपको कि मैं और नहीं ले सकता, तो या और नहीं लेना चाहता, तो ऐसे नहीं कहेंगे आई डोंट वॉन्ट टू टेक, आप कहेंगे नो थैंक्स, मीन्स नहीं, लेकिन आपका थैंक्स है, आपका धन्यवाद है, तो नो थैंक्स। अगर आपको किसी ने थैंक यू बोला, तो इसका रिप्लाई आप क्या क्या करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी ने हमें थैंक यू बोला तो हम चुप रहेंगे, तो ये ऐसा लगेगा कि आप खुद पर प्राउड फील कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करते हैं। अगर हमें किसी ने थैंक यू बोला तो हम उसकी जगह क्या क्या जवाब देंगे, हम कहेंगे इट्स ऑल राइट, मींस ठीक है, मैं नो मेंशन, या फिर मेंशन नॉट, मींस कोई बात नहीं, हम कहेंगे इट्स फाइन, ठीक है, सब ठीक है। उसके अलावा कह सकते हैं माय प्लेजर, मींस ये मेरी खुशी है, माय प्लेजर। कोई आपको बोलता है थैंक्स, तो आप बोलेंगे माय प्लेजर, या फिर वेलकम, यू आर वेलकम, ठीक है, दोनों में से ये कोई भी बोल सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे अगर कोई हमें थैंक्स बोलता है, तो या फिर कहेंगे इट्स ऑल राइट, नो मेंशन या मेंशन नॉट, इट्स फाइन, माय प्लेजर, वेलकम, या फिर यू आर वेलकम, कुछ भी बोल सकते हैं। अगर आपसे कोई कोई चीज़ मांग रहा है, तो अगर आपसे कोई कोई चीज़ मांग रहा है और आप उसे देना चाह रहे हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे टेक इट, इसे ले लो, ऐसे नहीं कहेंगे, कहेंगे यस यू आर वेलकम, या फिर विद ग्रेट प्लेजर, या मतलब मेरी खुशी के साथ लो, यस यू आर वेलकम भी कह सकते हैं, या फिर विद ग्रेट प्लेजर। फिर हमारा नेक्स्ट है कि अगर आप किसी के हेल्प करना चाह रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि कोई लेडी है, उसकी गोद में बच्चा है, आप चाह रहे हैं कि आप उसकी हेल्प कर दें, उसके जो बेबी है उसको ले लें, या फिर कोई ओल्ड मैन है, तो अगर आप उसका उससे सामान उठाया हुआ है, और अगर आप चाहते हैं कि आप उसकी हेल्प करें, तो आपको कहना होगा, तो कहेंगे अलाउ मी, या फिर मे आई हेल्प यू, यानी कि मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ, तो आप कहेंगे मे आई हेल्प यू,
या अगर आप किसी को रास्ता देना है, हमने इससे पहले भी बताया था कि अगर आप किसी को रास्ता देना है तो आप ये नहीं कहेंगे फर्स्ट यू, आप कहेंगे आफ्टर यू, मीन्स मैं आपके बाद जाऊँगा, आफ्टर यू। फिर अगर हमें कोई भी ऐसी चीज़ें हैं कि हमें, जैसे कि इंग्लिश में क्या है कि छोटी, यहाँ पे देखिए लिखा है कि इंग्लिश में बार बार खेद, बात बात पर खेद प्रकट करने का रिवाज है। जैसे किसी, हम चल रहे हैं, हमारा हाथ किसी से टच हो गया तो उस पर भी हम बोलेंगे सॉरी या एक्सक्यूज़ मी या फिर पार्डन। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है कि अगर आपका हाथ किसी के हाथ से छू जाए तो आपको झट से कहना होगा सॉरी। दो आदमी रास्ते में खड़े होकर बात कर रहे हैं, आपको गुजरना है वहाँ से, तो आप क्या कहेंगे एक्सक्यूज़ मी। या फिर अगर आप दो तीन लोग, चार लोग बैठे हैं, आपको कहीं उठ के जाना है तो डायरेक्ट उठ के नहीं चले जाएंगे, कहेंगे एक्सक्यूज़ मी। या अगर आप बात कर रहे हैं, आप तीन चार लोग बात कर रहे हैं, किसी का आपको अटेंशन चाहिए तो आप एक्सक्यूज़ मी कह सकते हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं या फिर फ़ोन पे या फिर आमने सामने, और अगर उसने कोई बात बोला आपको नहीं समझ में आया तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे स्पीक लाउडली, ऐसे नहीं, आप बोलेंगे पार्डन या फिर आई बेग योर पार्डन। मीन्स मैं, तो वो समझ जाएगा कि आपने उनकी आप बात जो है नहीं सुनी। क्या कह सकते हैं, पार्डन या आई बेग योर पार्डन। कहीं अगर आप कोई रूम में बैठा है तो आप बिना परमिशन के नहीं जाएंगे, क्या कहेंगे, मे आई कम इन प्लीज़। और फिर अगला क्या कहेंगे, यस प्लीज़ कम इन, या फिर ऑफ कोर्स। फिर यहाँ पे हमारे कुछ एग्जांपल दिए हैं गए हैं, ये हमारे कुछ एग्जांपल, इसको हम बाद में करेंगे क्योंकि अभी आज के लेसन के लिए ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने जितना आज पढ़ा है उतना हमें ध्यान रखना होगा। हम एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं आज की क्लास का। हमने आज की क्लास में वर्ड सीखे प्लीज़, थैंक्स, वेलकम, काइंडली, अलाउ मी, आफ्टर यू, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, पार्डन, दैट्स ऑल राइट, इट्स माय प्लेजर। हमें किसी से कुछ लेना होगा तो हम प्लीज़ या काइंडली वर्ड्स का यूज़ करेंगे। प्लीज़ गिव मी योर पेन, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट इज़ द टाइम, प्लीज़, यस प्लीज़, ऐसे ये सब हमने पढ़ा। उसके बाद अगर हमें कोई भी, हम किसी से कुछ भी फेवर लेंगे तो हम थैंक यू कहना नहीं भूलेंगे, थैंक यू बोलेंगे या फिर मेनी मेनी थैंक्स टू यू। अगर कोई चीज़ हमें कोई ऑफर कर रहा है हमें नहीं चाहिए तो हम कहेंगे नो थैंक्स। थैंक्स का रिप्लाई हम क्या क्या करेंगे, इट्स ऑल राइट, नो मेंशन, मेंशन नॉट, इट्स फाइन, माय प्लेजर, वेलकम या फिर यू आर वेलकम। किसी की हेल्प हमें करनी हो तो हम उसे क्या कहेंगे, मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू या फिर अलाउ मी। किसी को रास्ता देना है तो हम कहेंगे आफ्टर यू, मीन्स पहले आप जाइए उसके बाद हम आएंगे। अगर किसी से छोटी छोटी बातों पे भी क्षमा मांगने के लिए हम क्या कहेंगे, सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन। दो लोग हैं आपस में बात कर रहे हैं, आप खड़े होकर रास्ते में आपको बीच से गुजरना है तो आप कहेंगे एक्सक्यूज मी। या आपको कोई आपके सामने खड़ा हो, आपको उसको हटाना है, आपको निकलना है वहाँ से, तो आप कहेंगे एक्सक्यूज मी। किसी से बात करते टाइम अगर आप उसकी बात नहीं सुन पाए तो आप कहेंगे पार्डन या आई बेग योर पार्डन। कहीं जाना है, कोई बैठा हुआ है अंदर, तो आप क्या करेंगे, परमिशन लेके जाएंगे, कहेंगे मे आई कम इन प्लीज़। तो ये आज का हमारा लेसन था। आप लोग इन सारे वर्ड्स को लर्न करके अपनी डेली का जो कन्वर्सेशन है, डेली की बातचीत है, उसमें ऐड करिएगा। यही एक तरीका है जिससे हम फ्रिक्वेंटली इंग्लिश बोल सकते हैं। जब तक हम उसको ऐड नहीं करेंगे, जब तक हम अपने उसको रूटीन का, डेली रूटीन का हिस्सा नहीं बनाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें लर्न हो गई होगी। हम अपने नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें थर्ड डे का, जो हमारा थर्ड डे का है टॉपिक, वो पढ़ेंगे। एक्सक्लेमेशन हमें थर्ड डे में पढ़ना है। थैंक यू।